उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में बीती रात दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मामला तलवारबाजी से लेकर पथराव और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों के दो लोग घायल हुए, जिनका एमबी हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। ये लड़ाई गांधीनगर और उससे सटे हुए फारूक आजम कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बीच हुई। प्रारंभिक तौर पर यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों के युवाओं में आपस में अनबन चल रही थी। बीती रात एक दुपहिया वाहन पर होकर सवार आए युवाओं ने राहगीर से मारपीट की, रास्ते में ही खड़ी कचरा गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और तलवार से हमला करने लगे। इस दौरान पथराव की जानकारी भी सामने आई और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और साथ ही पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। गांधीनगर कॉलोनी में 200 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए। उसके बाद मामला और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने समझाइश के प्रयास किए, हालांकि देर रात तक समझाइश चलती रही और फिर मामला शांत जरूर हुआ, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव बरकरार है। दूसरी ओर अम्बामा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट लेकर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।